ट्रिग्नोमेट्री बाय पीके सर। पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट पढ़े थे, जिसमें ये पढ़े थे कि डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो उसमें थोड़ा सा हम हिंट्स देते हैं पिछले क्लास का। तो उसमें बताया था 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180, और एक्स डिग्री मान लेते हैं जितना भी निकालना हो पाई बाय 180 इंटू एक्स, ये पूरा कन्वर्ट हो गया रेडियन में। तो ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे और इस पर एक तो क्वेश्चन भी किए थे। तो अभी यहाँ पे डिग्री को कन्वर्ट किए रेडियन में, ये भी तो हो सकता है रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो अभी लिखते हैं कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, कन्वर्ट करना रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो लिखे हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो इसी को हम इस तरह से लिखते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो इसीलिए 1 रेडियन बराबर कितना आ जाएगा, तो 180 बाय पाई। और कितना भी मानते हैं एक्स रेडियन, जितना रेडियन देगा निकालने के लिए, यानी एक्स रेडियन में, तो 180 बाय पाई इंटू एक्स। ठीक, ये पूरा कन्वर्ट हो गया डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक, ये डिग्री हो गया। तो अब जितना भी किएगा निकालने के लिए, इस फॉर्मूला पर लगाएंगे 180 बाय पाई इंटू एक्स, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल करते हैं, एक दो अगर हम कह दें एग्जाम्पल। ठीक, कन्वर्ट 3π/4 रेडियन को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इंटू डिग्री, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला पर लगाएंगे, ये कितना हो गया 180 बाय पाई इंटू एक्स की जगह ये लिखेंगे 3π/4। ठीक, ये लिख देना है 180 बाय पाई। ठीक, अब इस पाई से पाई कैंसिल, 4 45 4 180, और 45 दिया यहाँ पे कितना हो गया 135, ये पूरा कितना हो गया 135 डिग्री हो गया। ठीक, अगर इसी प्रकार से हम कहें, ठीक ना, दूसरा एग्जांपल 2π/3 को कन्वर्ट करना है डिग्री में, 2π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 180 बाय पाई इंटू रेडियन दिया हुआ है, तो रेडियन लिखेंगे कितना 2π/3, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया 60 दिया 180 और 60 दुना 120, ये 120 डिग्री हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह से करना। और अगर कह दे इस तरह से, ये भी क्वेश्चन अगर पूछ दे, अगर कह दे 1/4 रेडियन को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, 1/4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो इसको लिखेंगे तो 180 बाय पाई इनटू रेडियन कितना 1/4 है, इसको लिखेंगे 1/4। अब पाई का वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते 180 बाय पाई का वैल्यू दे देते हैं 22/7, ऊपर चल जाएगा और ये 1/4। ठीक, तो अब यहाँ पे 45 चौका 180 हो गया, ठीक ना। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 50 35 5 हो गया, और 7 4 28 + 3 31 बाकी ना 22। ठीक, ये डिग्री में आ गया, लेकिन ये प्रॉपर डिग्री में नहीं होगा, डिग्री जो था वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है, तो इसको फ्रैक्शन नहीं होगा ये, तो इसको क्या कहेंगे, मिनट और सेकेंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको तुरंत क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो रफ में डिवाइड कर दीजिए थोड़ा सा, इसको 22 से डिवाइड करते हैं। तो 1 बार में 22, ये कितना हो गया 9, ये कट गया, ये 5 उतर गया, 22 चौक 88, ठीक यहाँ पर हो गया 7, ठीक। अब ये जो है 14, ये 14 डिग्री निकल गया। अब जो ये 7 बच गया, रिमाइंडर जो 7 बचा है, ये इसमें क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 22 है इसी से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो रहा है, ये मिनट में कन्वर्ट हो रहा है। तो कितना हो गया ये 420 में कितना से भाग देंगे, 22 से भाग दे देते हैं एक बार में, तो 22 हो गया, ये हो गया 0, ये 2, ठीक। अब यहाँ पर फिर ये 0 उतरेगा, तो कितना 22 नंबर, ठीक 198, यहाँ पर 2 उतर गया, ठीक। तो ये कितना हो गया 19, ये 19 मिनट हो गया, ये 19 मिनट हो गया। अब यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया, तो इस 2 में भी क्या करेंगे 2 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इसमें 22 से ही डिवाइड करेंगे। अब ये प्रॉपर सेकेंड में बन गया, प्रॉपर सेकेंड में बन गया, तो ये कितना हो गया 120 में 22 से डिवाइड कर देते हैं, ये कितना हो गया 22 × 5 = 110, ठीक 110, यहाँ पर हो गया 0 1 10 उतर गया, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना, ये जो है 5, ये सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे ये जो है सेकेंड के बाद तो कुछ होता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देना है। ये कितना हो गया 14 डिग्री 19 मिनट, और ये 5 सेकेंड हो गया, ठीक। यहां तक तो हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ये रिलेशन बताना है, अभी जो पढ़े हैं डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो ये कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, तो इसका रिलेशन, लेट नंबर ऑफ डिग्री बी कैपिटल डी, नंबर ऑफ रेडियन बी कैपिटल आर, एंड नंबर ऑफ ग्रेड बी कैपिटल जी, ठीक ना। तो डिग्री को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, रेडियन को कैपिटल आर से, और ग्रेड को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो अब यहां पे पहले डिग्री ले लेते हैं, डिग्री 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 लेते हैं, डिग्री को कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो ये जानते हैं कि 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल होता है, और 1 राइट एंगल, और 1 डिग्री इक्वल टू 1 बाय कितना देगा 90 राइट एंगल। अगर मान लेते हैं डी डिग्री में कर रहा है, तो डी डिग्री में कितना हो जाएगा, डी डिग्री में तो 1/90 × कितना लिखेंगे डी, ये कितना हो गया राइट एंगल हो गया, ये कितना हो गया डी बाय 90 राइट एंगल, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और यहां पे ठीक ना, रे अब लेते हैं ग्रेड लेते हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ग्रेड
ग्रेड को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कह सकते हैं ग्रेड में कितना लेते थे, 100, तो 100 ग्रेड बराबर 1 राइट एंगल होता है, तो 1 राइट एंगल 1 राइट एंगल। अगर कहते 1 ग्रेड में कितना हो जाएगा, तो 1 ग्रेड में कम हो जाएगा, 1/100 राइट एंगल हो जाएगा। और कितना ग्रेड कर रहा है, यहाँ पे जी ग्रेड कर रहा है, तो जी में कितना लेंगे, जी में जी बाय कितना हो जाएगा, 100 राइट एंगल। ये इक्वेशन सेकेंड निकल गया। ठीक, तो ये इक्वेशन सेकेंड निकल गया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब बस ये रेडियन। ठीक, तो रेडियन को हम आर से डिनोट करते हैं, आर से। अब जानते हैं पाई रेडियन पाई का मतलब कितना, 180, तो पाई का मतलब हो गया 180, तो 180 को लिख सकते हैं 90 प्लस 90। ठीक, और 90 को कितना लिखते हैं, 1 राइट एंगल। इसको भी कितना लिखेंगे, 1 राइट एंगल। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, ये 2 राइट एंगल लिख सकते हैं। तो इसलिए लिख देते हैं पाई रेडियन बराबर, ठीक ना, पाई रेडियन बराबर 2 राइट एंगल। तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, 2/π राइट एंगल। इसलिए कितना रेडियन करा, आर रेडियन करा, तो आर में कितना हो जाएगा, 2/π into r right angle, है ना। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इस तीनों इक्वेशन जो निकला है, इस तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं, विगेट कर देते हैं। ठीक, विगेट इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, तीनों इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये निकला हुआ था, ठीक ना, फर्स्ट इक्वेशन में निकला था d/90, सेकेंड इक्वेशन में निकला हुआ है g/100, और थर्ड इक्वेशन में निकला है टू आर बाय पाई। ठीक, 2r/π। तो अब यहां पे क्या करेंगे, ये जो निकला हुआ है d/90, g/100, 2r/π, तो डिग्री को, ये जो d है डिग्री है, अगर डिग्री को कन्वर्ट करना है ग्रेड में, तो इस दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। डिग्री को कन्वर्ट करना है ग्रेड में, तो इस दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। अगर ग्रेड को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो इस दोनों को इक्वल कर देंगे। अगर ये भी कभी कभी हो सकता है कि रेडियन को भी कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, तो रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो इस दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ये यहां से किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम कह दे, एक क्वेश्चन लेते हैं, ग्रेड को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, कन्वर्ट 25 ग्रेड इंटू डिग्री 25 ग्रेड को कन्वर्ट करना है डिग्री में, कन्वर्ट करना है, तो हमें जी बराबर कितना दे दिया, 25 ऊपर में कैपिटल जी। ठीक, तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करना, तो लिखेंगे d/90 इक्वल टू कितना, g/100। यही हमें g दिया हुआ है, d निकालना है, तो g दिया हुआ है, d निकालेंगे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाला वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो d बराबर g का वैल्यू 25/ ये हो गया 100, और ये जो 99 है, 90 जो है यहां पर दे देते हैं, ये कितना हो गया, 25 चौका 100, 2 से काट देते हैं, ठीक, 2 4 45 2 90, तो d बराबर कितना हो गया, 45/2, ये डिग्री में निकल गया। अब आप जानते हैं डिग्री क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो तुरंत क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 45 है, 45 में कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 22,
टू से दे देते हैं, टू फोर जा कट गया फाइव, ये कितना हो गया फोर वन थ्री। अब यहाँ पे हो गया कितना 22 डिग्री हो गया, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, वन बच रहा है रिमाइंडर। तो ये तो वन बचेगा तो किस में जाएगा, मिनट में जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, मिनट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर में 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 से 1 इंटू कितना करेंगे 60, ये 60 हो गया। और कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से कितना जाएगा 30। तो ये कितना बन गया, 30 मिनट बन गया। मतलब 22 डिग्री 30 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। ये 25 ग्रेड को कन्वर्ट किए थे डिग्री में कन्वर्ट किए थे। अगर इसी प्रकार कह दे कोई भी डिग्री दे दे, मिनट दे दे, तो कन्वर्ट करना है। अगर कह दे एग्जांपल है ठीक ना, 37 डिग्री ठीक ना 30 मिनट इज कन्वर्ट इंटू रेडियन। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 37 डिग्री 30 मिनट, तो सबसे पहला बात इस मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। तो मिनट को कन्वर्ट करने के लिए, मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर डिग्री को कन्वर्ट करते थे मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसमें इसको लिखेंगे 37 प्लस ये 30 बाय यहाँ पे 60 लिखेंगे, ये कितना हो गया 2। तो 37 प्लस 1 बाय 2, इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, ये कितना जगह एलसीएम हो गया 2, ये कितना हो गया 74 प्लस 1, ये कितना हो गया 75 बाय 2। ये प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट हो गया ठीक। या यहाँ पे दूसरा मेथड से इस तरह से भी यहाँ पे कन्वर्ट कर लो, इसको इस तरह से नहीं होगा तो इसको लिख लेते हैं 37 पूर्णांक 30 बटे 60 लिख लेते हैं ठीक। इस तरह से भी लिख लेंगे, ये 2 हो गया तब यही आएगा सेम ही। तो ये 75 बाय 2 डिग्री हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे ठीक ना, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो पाई बाय 180 इंटू जितना डिग्री था 75 बाय 2, यानी 75 बाय 2 है। तो अब पाई का वैल्यू यहां पर रख देते हैं, पाई या पाई रखे नहीं छोड़ देते हैं, ये कितना हो गया 15 × 5 = 75 ठीक, 15 × 5 = 180, ये कितना हो गया 5 पाई, अब भाई कितना हो गया 24, ये प्रॉपर कन्वर्ट हो गया रेडियन में कन्वर्ट हो गया ठीक। तो 5 पाई बाय 24 ये रेडियन बन गया। इस तरह से कन्वर्ट करते हैं ठीक। इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे, क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle of a triangle are in ratio 3:4:5. find the smallest angle in degree and greatest angle are in रेडियन। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो,
किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल होता है उसका रेशियो दे दिया 3:4:5। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री, छोटा जो एंगल होगा वो डिग्री में निकालना, और ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कहते हैं कि पहले ये देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि लेट डिग्री डिग्री बी एक्स मान लेते हैं। ठीक, यहां पर हो गया 3x + 4x + 5x = 180 डिग्री। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, तो इसको क्या करेंगे एडिशन करते हैं, कितना हो जाएगा ये 12x बराबर ये कितना हो गया 180, इसको काट देते हैं 12 15 जा, तो x बराबर कितना हो गया 15, ये डिग्री निकल गया, x का वैल्यू निकल गया यानी 15 डिग्री निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3x है, 3x यहाँ पे 3 × कितना गया 15, 3 × 15 यहाँ पे कितना गया 45 डिग्री, और यहाँ पे कितना गया 4x, 4 × कितना गया 15, कितना गया ये हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना गया 5x, तो 5 × कितना गया 15, ये कितना गया 75 डिग्री। अब इसमें करा कि जो सबसे छोटा एंगल है उसको डिग्री में ही रखेंगे, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है, ये वाला सबसे छोटा एंगल है 45 डिग्री जो है ये सबसे छोटा एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल है, और ग्रेटेस्ट एंगल जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रेटेस्ट तो मेरा ये एंगल हो गया 75 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे, अभी बताए थे ठीक ना 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर कितना गया π/180, इसलिए कितना यहाँ पे डिग्री दे दिया 75 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 75 डिग्री बराबर ये π/180 × कितना 75, ठीक 15 × 75 = 15/180 ये हो गया 5π/12, ये हो गया 75 डिग्री को कन्वर्ट कर दिए रेडियन में, ठीक ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, the length of a cord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the cord, मतलब ये कह रहा है एक सर्कल हो गया, इस सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, सर्कल का डायमीटर दे दिया, डायमीटर 40 सेंटीमीटर दे दिया, यहां से डायमीटर जो है 40 सेंटीमीटर दे दिया। The length of a cord is 20 centimeter. यहां जो cord बन रहा है, ये जो cord बना सर्कल पर, ये cord मेरा 20 centimeter दे दिया है, ये 20 centimeter दे दिया है, ये 20 centimeter दे दिया है। तो हमें करा के find the length of
माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ये कॉर्ड का जो माइनर आर्क है ये वाला निकालना है, ये लेंथ निकालना है, ये जो एल है ये वाला एल निकालना है, ये एल, ये एल कैसे निकालना है। डायमीटर दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो यहां से ये वाला 20 सेंटीमीटर हो गया और ये भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया, ये एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। जब ये ट्रायंगल हो गया तो ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 3 रेडियन। ठीक, अब हमें थीटा मालूम हो गया, ठीक ना, एल निकालना है, आर भी मालूम हो गया, तो फॉर्मूला था थीटा बराबर एल बाय आर पढ़ाए थे। लेकिन ये कब लगेगा, ये जब लगेगा थीटा किस में होना चाहिए, थीटा रेडियन में होना चाहिए, ये रेडियन में होना चाहिए, और एल और आर का यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट आर सेम होना चाहिए, यूनिट आर सेम, यानी अगर एल सेंटीमीटर में तो आर भी क्या होना चाहिए सेंटीमीटर में, तो दोनों सेंटीमीटर में है, थीटा भी रेडियन में कन्वर्ट कर लिया पे, तो यानी पाई बाय 3 बराबर एल का वैल्यू निकालना है एल, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एल बराबर हो गया 20 पाई बाय 3, ये तो निकल गया एल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इफ इन टू सर्कल, क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ इन टू सर्कल, इफ इन टू सर्कल आर्क्स ऑफ द सेम, आर्क्स ऑफ द सेम सेम लेंथ, सेम लेंथ, सेम लेंथ, सेम लेंथ, आर्क ऑफ दिस सेम लेंथ सबटेंड एंगल, सबटेंड, सबटेंड एंगल, एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर फाइंड, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेडियस मतलब ये कह रहा है कि टू सर्कल है, दो सर्कल है, दो सर्कल बना लेते हैं, टू सर्कल, दो सर्कल हो गया जिसका लेंथ, आर्क लेंथ जो है सेम है, यहां पे ये जो आर्क लेंथ है इसका ये वाला पोर्शन ये एल है, तो ये भी एल है, ये एल है, और इस सर्कल का भी ये भी दोनों सेम है, ये भी एल ही है, दोनों सेम है, और ये कह रहा है कि सेंटर पर जो इसके द्वारा जो यहां जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है और ये 75 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक, तो तुरंत क्या करते हैं, इस 60 डिग्री को कन्वर्ट कर देते हैं रेडियन में, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, और इसको कन्वर्ट किया अभी जस्ट किया तो इसको लिखे 5 पाई बाय 12 रेडियन, और हमें कह रहा है कि इसका रेडियस का रेशियो चाहिए, तो ये हो गया मान लेते आर वन, तो ये मान लेते हैं आर टू, ये आर वन रेशियो आर टू चाहिए, आर वन रेशियो आर टू चाहिए, तो फॉर्मूला लगाते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा वन और इसको मान लेते हैं थीटा टू, तो थीटा वन बराबर कितना हो गया एल बाय आर वन, तो आर वन बराबर कितना निकला, आर वन बराबर एल बाय ये कितना गया पाई बाय 3, तो 3 ऊपर चल गया तो 3 एल बाय पाई, ये आर वन निकल गया, और आर यहां से थीटा टू निकाल लेते हैं, थीटा टू बराबर हो गया एल बाय आर टू, तो ये आर टू निकाल लेते हैं, आर टू बराबर
ये आर टू बराबर ये हो गया एल बाय थीटा का वैल्यू 5π/2l ऊपर कर देते हैं ठीक। तो दोनों का रेशियो निकालते थे, ये रेशियो हो गया आर वन रेशियो आर टू बराबर ये हो गया 3l/π और ये डिवाइडेड बाय 12l/5π ठीक। तो इसको 3l/π इंटू ये हो गया 5π ठीक 5π/12 तो पाई से पाई कैंसिल और ये एल से एल कैंसिल तो 3 4 जा ये हो गया 5:4 ये निकल गया आर वन रेशियो आर टू ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। और ट्रिगोनोमेट्री में जो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल जो पढ़े थे ये चैप्टर एंड हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक ना।